नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है पाकिस्तान का आज़रबाईजान। कॉलम निगार है मंसूर अफाक और आवाज है हानिया मुबीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। आज़रबाईजान फारसी जबान का लफ्ज़ है जिसका मफहूम है आग के रखवाले। कहा जाता है कि सतह ज़मीन पर तेल के चश्मों की वजह से यहाँ आग भड़कती रहती थी। यहीं से पहली बार तेल निकाला गया था। यहाँ गैस भी बहुत ज़्यादा है। पहाड़ हैं जहाँ से खुद ब खुद गैस निकलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जरतश्त की आतिश गाहों की कसरत के सबब इसे ये नाम मिला। आज़री लोग अपनी तहजीब व तमद्दुन सकाफत और रहन सहन के लिहाज से सरापा तुर्क हैं और ख़ुद को तुर्क कौम का ही हिस्सा समझते हैं। तुर्की के सदर ने आज़रबाईजान में कहा था कि बेशक हम दो मुल्क हैं मगर हमारी कौम एक है। आज़री ज़बान वैसे तो फ़ारसी के बहुत करीब तर है मगर इसमें तुर्क ज़बान के भी बेशुमार अल्फाज शामिल हैं। यहाँ हज़रत उस्मान के दौर में मुसलमान आ गए थे। कहते हैं कि एक वाक़े के सबब सारा शहर एक साथ ही मुसलमान हो गया था। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहमी एतमाद की एक तवील तारीख है। पाकिस्तान ने अर्मानिया को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की खराबी की बुनियाद निगोर्नो काराबाख तनाज़ा है। निगोर्नो काराबाख का खित्ता बैनुल अक्वामी सतह पर आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है मगर अर्मानिया ने इसके 7 अजला पर कब्ज़ा कर रखा है। 2016 के आखिर में अर्मानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद ख़राबी आई जब अर्मानिया ने रूस के ज़ेर क़यादत इज्तमाही सलामती मुआहदा ऑर्गेनाइजेशन CSTO की पार्लिमानी असम्बली में मुबस्सरीन की हैसियत से पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वीटो किया। यूँ आज़रबाईजान और पाकिस्तान और ज़्यादा करीब हो गए। आज़रबाईजान पाकिस्तान के लिए आज़रबाईजान बन गया। पाकिस्तान उन पहले ममालिक में शामिल था जिन्होंने आज़रबाईजान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान ने अक़वामे मुत्तहिदा में निगोर्नो काराबाख के मामले पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। निगोर्नो काराबाख का मामला कश्मीर की तरह का है। जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और आज़रबाईजान को आज़ादी मिली तो उसके सूबे निगोर्नो काराबाख पर ज़बरदस्ती आर्मानिया ने कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त से मुसलसल दोनों ममालिक में लड़ाई जारी है जो कभी तेज़ हो जाती है और कभी सुस्त। कश्मीर की तरह निगोर्नो काराबाख की आबादी मुसलमान है। इस पर आर्मेनियन फ़ौज ने बेपनाह तशद्दुद किया और मकामी लोगों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। हज़ारों मुसलमान शहीद कर दिए गए जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। 6000 लोग एक ही दिन में एक ही जगह पर शहीद किए गए। मस्जिद के तकद्दस को पामाल किया गया। मारूफ तारीखी अकदम मस्जिद को जानवरों के बाड़े में तब्दील कर दिया। इंटरनेट पर वायरल होने वाली तस्वीरों में मस्जिद में सुअर गधे और दीगर जानवर भी बांधे गए। सो आज़रबाईजान के पास जंग के सिवा कोई और चारा नहीं। वो मुसलसल निगोर्नो काराबाख के लोगों के लिए हालत जंग में है जिस तरह पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए मुसलसल भारत के साथ हालत जंग में है। वहाँ के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी सबब दोनों ममालिक में मुसलसल बाहमी तावुन बढ़ रहा है। इस वक्त आज़रबाईजान में जगह जगह पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं। लग रहा है कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द आज़रबाईजान के परचम लहराना शुरू हो जाएंगे। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान आज़रबाईजान और तुर्की के वज़राए खारजा का इजलास हुआ। मुझे ये खबर देते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि तीनों ममालिक में दिफाई मुआहदा हो चुका है। तीनों ममालिक एक दूसरे से असलहा खरीदेंगे। एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस का तबादला होगा। फौजी ट्रेनिंग होगी। हर तरह के दिफाई प्रैक्टिकल मामलात में तीनों साथ होंगे। ममालिक के माबैन तमाम शोबों में तआवुन और मजबूत व गहरा होगा। बेशक ये तआवुन दूसरे ममालिक के खिलाफ नहीं मगर इंडियन मीडिया इसके खिलाफ बहुत शोर कर रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को बहुत बड़ी फौजी इमदाद दी है। मेरे नज़दीक इस प्रोपेगेंडा की बुनियादी वजह सिर्फ इतनी है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की हिमायत समेत मुश्तरका मफादात के उमूर पर तीनों कौमें आपस में मुत्तहिद हैं और तुर्की की तरह आज़रबाईजान भी कश्मीरी मुसलमान भाइयों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। तुर्की पाकिस्तान से मशाक तैयारे खरीद चुका है। आज़रबाईजान तैयारे और दूसरा असलाह खरीदने का इरादा रखता है।
पाकिस्तान तुर्की से जदीद टैंक खरीदने वाला है। तीनों ममालिक में कारोबार और सियाहत के शोबे में तावुन के मुआहदे भी हो चुके हैं। COVID-19 वैक्सीन के हवाले से भी तावुन जारी है। इस्लामाबाद और बाकू के माबेन बराए रास्त परवाजों में बेहतरी आने वाली है। तीनों ममालिक के अवाम के वसी तर ताल्लुकात का लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। कोरोना के कम होते ही सकाफती ताइफे भी आने जाने लगेंगे। तालीम के शुबे में भी तावुन शुरू हो चुका है। रोड और रेलवे लाइन की तामीर भी जेरे गौर है। तुर्की और ईरान भी करीब आने वाले हैं। चीन की ईरान में $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस खत्ते की सूरत हाल को तब्दील करने वाली है। चीन भी इस नए प्लेटफॉर्म में शामिल है। चीन ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फौजी इमदाद की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी को मजबूत तर बनाने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। इंडियन मीडिया पर इस सिलसिले में भी चीखें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान अपनी फौजी कुव्वत में रोज़ बरोज इजाफा करता जा रहा है। कल तक पाकिस्तान दुनिया की 15वीं फौजी कुव्वत था, मगर आज दुनिया की 10वीं बड़ी फौजी कुव्वत है। इसके लिए मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ साथ इमरान खान का भी शुक्र अदा करता हूँ। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।